भारत से पाकिस्तान रोबोट हमला पार्ट टू। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो का पार्ट टू नहीं देखा तो ऊपर वाले आई बटन पे क्लिक कीजिए और आज के इस कहानी का लाइक है मैं 1500 लाइक्स मुझे पता है आप कर दोगे ठोको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो पाकिस्तान के दो शिप्स रोबोट और दो हेलीकॉप्टर पाकिस्तान मिलिट्री बेस से सीधा इंडियन मिलिट्री बेस पर अटैक करने के लिए निकल गए। यहाँ दूसरी तरफ मेजर राम को बेहोश पड़े हुए रात से सुबह हो गई थी, तभी वहां पर एक भूखा जानवर आ गया। तब वो जानवर राम को खाने के लिए राम के पास जाने लगा, तभी वहां पर किसने तो उसकी कार से उस जानवर को उड़ा दिया और वो जानवर दूर जाकर गिर गया। तब वो आदमी कार से उतरकर मेजर राम के पास जाने लगा और बोला, अरे भैया क्या हुआ तुम्हें, उठो जल्दी उठो, देखो कौन आया है। जब राम ने अपनी भाई की आवाज सुनी उसे धीरे धीरे होश आने लगा। तब राम के भाई विजय को जब राम खड़ा हो रहा था उसे बहुत खुशी हो रही थी। तब राम बोला, अरे विजय मैंने तो तुझे यहाँ आने के लिए मना किया था तो तू यहाँ क्यों आया। अरे भैया मुझे आपकी बहुत चिंता सता ली थी इसलिए मैं आपको एक बार देखने के लिए यहाँ आया तो मुझे आप बेहोश दिखे तभी आप पर कोई जानवर हमला करने वाला था, मैंने सही वक्त पर मेरी गाड़ी उस जानवर पर चढ़ा दी। मुझे यह बताओ तुम यहाँ बेहोश क्यों पड़े हो, आखिर यहाँ हुआ क्या है। तब राम ने मिलिट्री बेस में जो जो हुआ था वो सारी बातें उसने अपने भाई विजय को बता दी। तब विजय बोला, भैया अब आपके सोल्जर्स जिंदा है या मर गए। मेरे ख्याल से तो सब लोग मारे गए होंगे। तो भैया अब आप क्या करोगे। हमें यह इंफॉर्मेशन जल्द से जल्द हेडक्वार्टर तक पहुंचानी होगी, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। भैया अपने पीछे मुड़कर देखो वहाँ कुछ शिप्स रोबोट और हेलीकॉप्टर आ गए। तब राम फिर से पीछे मुड़ा और बोला, नहीं विजय यह हमारे हेलीकॉप्टर और शिप्स रोबोट नहीं है, यह शिप्स रोबोट पाकिस्तान की ओर से भेजे गए, लगता है उन्हें हम पर पहले से ही हमला हो चुका है, यह पता नहीं है। अब पाकिस्तान मिलिट्री बेस के हेलीकॉप्टर ठीक इंडियन मिलिट्री बेस के सामने आकर खड़े हो गए, तभी उनमें से एक सोल्जर बोल रहा, हुजूर हम यहाँ ठीक इंडियन मिलिट्री बेस के सामने आकर खड़े हो चुके लेकिन हमें यहाँ कुछ एलियन दिख रहे हीरो की माइनिंग करते तो हम क्या करें। चाहे कुछ भी हो जाए उस हीरो की माइनिंग पर हमारा ही कब्जा होना चाहिए, तुम उस पर हमला करो। तो पाकिस्तान के शिप्स रोबोट और हेलीकॉप्टर ने इंडियन मिलिट्री बेस पर जो एलियन पर हमला कर दिया। सर हम पर किसी ने हमला कर दिया, हमारा काफी नुकसान हो गया, अब हम क्या करें। ठीक है उन पर हमला करने के लिए हल्स ड्रैगन को छोड़ दो। ठीक है हुजूर। तो पाकिस्तान के दो शिप्स रोबोट उस मिलिट्री बेस को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए तैयार थे लेकिन तभी उन पर किसी ने हमला कर दिया। तभी पाकिस्तान हेलीकॉप्टर ने उस राक्षस पर हमला कर दिया। लगता है मर गया साला। दोस्तों आप यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब आपको कहानी पसंद आ गई तो शर्मांती को इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। सर हम पर जितने हमला किया था हमने उसे धूल चटा दिए, हम पर पाकिस्तान नाम के एक देश ने हमला किया था, हमने उनके दो शिप्स रोबोट और दो सोल्जर्स को अपने डिमांड में ले लिया है, सर अब हम उनका क्या करें। तुमने जो शिप्स रोबोट को अपने कब्जे में लिया है उनको कुछ एडवांस वेपन लगा कर उन्हें मेजर राम की खोज में भेज दो। ठीक है सर मैं अगले 10 मिनट में उन रोबोट को यहाँ से रिलीज कर दूंगा। तो उस बड़ी पूछ वाले एलियन ने उन शिप्स रोबोट को कुछ एडवांस वेपन लगाकर उन्हें मेजर राम की खोज में भेज दिया। यहाँ दूसरी तरफ मेजर राम और विजय
एक जंगल के रास्ते हेडक्वार्टर जाने वाले थे। तभी विजय बोला, भैया यहाँ से दिल्ली लगभग 1000 किलोमीटर है, हमें वहाँ जाने में काफी समय लगेगा। तब तक वो एलियन वहाँ के सारे हीरो की माइनिंग करके अपने घरों पर ले जाएंगे। भैया हमें जल्द से जल्द यहाँ से हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करना चाहिए। हाँ विजय, तेरा कहना सही है, यहाँ आसपास एक पुलिस बॉक्स है, हम वहाँ जाकर हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भैया, चलो जल्दी से। तब मेजर राम अपनी कार से एक पुलिस बॉक्स के पास आ गए। हेलो ऑफिसर, मेरा नाम मेजर राम है, मैं यहाँ के एक मिलिट्री बेस से आया हूँ। लेकिन मेजर, यहाँ आसपास तो कोई मिलिट्री बेस नहीं है। नहीं ऑफिसर, यहाँ हाल ही में ही एक नया मिलिट्री बेस तैयार किया गया है। और मुझे यह बताओ कि वो मिलिट्री बेस यहाँ किस लिए बनाया गया है? हाल ही में ही वहाँ एक हीरो का एस्ट्रॉइड गिरा था, उस एस्ट्रॉइड की माइनिंग और उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ एक मिलिट्री बेस बनाया गया है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? क्या मुझे पता नहीं होगा यहाँ एक एस्ट्रॉइड गिरा है और एक नया मिलिट्री बेस तैयार किया है? तुम जहाँ से आए हो वहाँ ही चले जाओ। ऑफिसर मेरी बात का यकीन करो, और मैं उस मिलिट्री बेस का मेजर हूँ। तो तुम एक मेजर हो, अपना आईडी कार्ड दिखाओ। ऑफिसर मेरे पास अभी मेरा आईडी कार्ड नहीं है, लड़ाई में मेरा आईडी कार्ड नीचे गिर गया। अब बहुत हुआ, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझे तुम्हें मजबूरन अरेस्ट करना पड़ेगा। ऑफिसर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो तुम अपना वॉकी टॉकी मुझे दो, मैं भी हेडक्वार्टर से बात कर तुम्हें बताता हूँ। जरा अपने पीछे मुड़कर देखो, यहाँ 2 दिन से वो टावर नीचे गिरा है, अब कहा भी नहीं जा सकता कि वो टावर कब ठीक होगा। इससे अच्छा है तुम जहाँ से आए हो वहाँ ही चले जाओ। अरे शेठ, इसको भी अभी गिरना था। तब राम गुस्से में अपनी गाड़ी के पास आ गया, उसे काफी बुरा लग रहा था कि वो अपने देश के लिए कुछ भी कर नहीं पा रहा। तभी वहाँ उसका भाई आ गया और बोला, भैया आप निराश मत हो, मैंने सुना है यहाँ एक आदि पेड़ नाम का एक अलौकिक शक्तियों वाला पेड़ रहता है, हम एक बार उसके पास जाकर देखते हैं। अरे विजय तुझे तो पता है मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है, तो फिर क्यों? लेकिन भैया एक बार जाके तो देखते, हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है तो चलो। तब मेजर राम और विजय उस आदि पेड़ के पास जाने के लिए वहां से निकल गए। तो मेजर राम और विजय एक रहस्यमय जगह पर आ गए, वहाँ वो दोनों तो छोटे दिख रहे थे लेकिन बाकी सारी चीजें काफी बड़ी थी। तभी उन दोनों की कार बंद पड़ गई। तब वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और राम बोला, अरे विजय क्या हुआ, गाड़ी क्यों बंद पड़ गई? भैया लगता है गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, अब हमें यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। ठीक है तो चलो। तब मेजर राम और विजय उस आदि पेड़ की तलाश में पैदल ही निकल पड़े। तब उन दोनों को एक पुराना मंदिर दिखा, तब वो दोनों उस मंदिर के पास जाने लगे। जब वो दोनों मंदिर के अंदर जाने लगे तभी वहां पर खतरनाक ब्लास्ट हो गया और वो दोनों जाकर दूर गिर गए। तो मेजर राम और विजय वहां से एक रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो का पार्ट 2 नहीं देखा तो अपने लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए, और आपको इस वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में इतने कमेंट कीजिए, इतने कमेंट के यूट्यूब भी क्रैश हो गया है। और आपको आज का लाइक एम तो पता है, मुझे पता है आप लाइक कर दोगे तो ठोको लाइक, और ऐसे मजेदार खाने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पार्ट 3 हम अगले संडे ठीक 12 बजे अपलोड कर देंगे।